नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। लांची अनलॉक के चलते लोग थोड़ी राहत एवं नियमों में मिली छूट का फायदा उठा रहे थे। कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, ना ही मास्क का उपयोग कर रहे थे। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए शासन सतर्क हुआ और 30 जून को SDM रविंद्र परमार के निर्देश में नगर परिषद लांजी द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में अनलॉक के अंतिम दिन मास्क नहीं पहनने वाले 122 लोगों से कुल 6,780 रुपये जुर्माना वसूला गया। नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा घर से बिना मास्क के नहीं निकलने की समझाइश भी दी गई। इस दौरान नायाब तहसीलदार सारिका परस्ते, CMO प्रफुल्ल गठरे, उप निरीक्षक राकेश बघेल, अन्य पुलिस जवान व नगर परिषद से संतोष भार्गव, गुलाबचंद लटारे, विनोद रहमतकर आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। सर, जो चालानी कार्रवाई चल रही है, किस बाबत कार्रवाई चल रही है? जैसा कि हम सबको पता है कि मतलब कोरोना तो अभी भी एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन जैसे अनलॉक 1 चालू हुआ, फिर अनलॉक 2 चालू हो रहा है, लेकिन ये सामान्यतः देखने में आया है कि लोगों के अंदर ये हो रहा है कि वो कई सारी असावधानियाँ बरत रहे हैं। ऐसे में ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है। हमारा प्रयास यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। कोई फाइन करना, बहुत ज़्यादा फाइन भी ले रहे हैं, लेकिन यही उद्देश्य है कि अगर दिन में रोज़ या हर 2-3 दिन में इस तरह की चालानी कार्रवाई करेंगे तो हम मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा जागरूक होंगे और मास्क पहनना स्टार्ट करेंगे। जागरूकता तो ठीक है, देखिए बहुत सारे जगह पे देखा जा रहा है, अभी भी फिलहाल अपने शादी वादी को भी दे दी अनुमति दे दिया, लेकिन यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन बहुत मात्रा में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, चाहे बैंक हो, चाहे शादी की जगह हो, या बाजार हो, चाहे दुकान हो, तो यहाँ इसमें कुछ कार्रवाई चल रही है। इंडिया काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ये बड़ा स्वाभाविक सी बात है और आप सही कह रहे हैं कि हर जगह भीड़ होगी। अब चाहे वो शादी होगी, बैंक होगा, शादी में तो हमने 50 लोगों को अलाउ किया है, लेकिन फिर भी देखने में आया कि कई लोग उसमें ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, तो अगर ऐसी हमें सूचना मिलती तो हम जाते हैं, हमारी टीम भेजते हैं और वहाँ पे तितर बितर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें जनता का पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लीगल एक्शन या लोगों को पेनल्टी करके उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। जनता खुद से जागरूक होगी, वही मुझे उम्मीद है कि लोग खुद ही नियमों का पालन करना चालू करें। एक सवाल सर, अभी जैसे ज्ञात हो रहा है कि रूस से एक छात्रा आई थी और ये कोरोना की पॉजिटिव निकली है, दो चीज़ें सर, इंडिया में वायरस की नेचर अलग होता है, दूसरी कंट्री में वायरस का नेचर अलग होता है, तो जैसे रूस से जो वायरस आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, मतलब अगर सीधे तौर पर बोले तो मर रहे हैं, तो क्या रूस का वायरस भी ऐसे खतरनाक है कि जैसे इंडिया में मौत की संख्या है, जो मरने की संख्या वो कम है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में बाकी जगह पर ज़्यादा है, तो कैसे अपन देख रहे हैं सर? वायरस की पावर के बारे में तो कोई वायरोलॉजिस्ट बता सकता है, लेकिन ये देखने में आया है कि अभी रूस से जितने भी लोग आए हैं अधिकांश पॉजिटिव हैं। इससे ये पता लगता है कि रूस में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, यानी कि रूस से आने वाले अधिकतर लोग पॉजिटिव हैं। तो ये इससे ये जरूर पता लगता है कि रूस में जो इन्फेक्शन का जो एक्सटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, इवन हमारे जो मुंबई है उससे भी ज़्यादा वहाँ का ट्रांसमिशन रेट है। तो उसमें हम ये सावधानी रख रहे हैं कि जो भी बाहर से आ रहा है उसके एहतियात के तौर पर हम, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो, सिम्प्टोमेटिक हो, हम उसका सैंपल ले रहे हैं, उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं। लांजी में जो छात्र के अलावा और कोई कोरोना पॉजिटिव केस है? लांजी में और अभी उसके अलावा कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन हमारे प्रयास जारी है, हम सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं और पिछले 3 महीने से हमने सतत स्क्रीनिंग की है और आगे भी यही चलता रहेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग करने की कोशिश करें। थैंक यू। खबर समय जगत के लिए लांजी से रूपेश राप्ते की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।